हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग कोल्ड ड्रिंक की जो खाली बोतल होती है, हम सभी लोग के घर पे बहुत सारी बोतल होती है, इससे हम लोग खूबसूरत हैंगिंग पॉट किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए, ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, देखें, इस मैंने बोतल से ही ये हैंगिंग पॉट बनाया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप अपने गार्डन के लिए इस तरीके से खूबसूरत हैंगिंग पॉट बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करेगा, क्योंकि सारे पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह मेरा आप लोगों से एक सवाल, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे ये प्लांट, इसका फ्लावर देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका फ्लावर खिला हुआ है पिंक कलर का। तो नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा प्लांट है। तो चलिए देखते हैं नीचे कमेंट में कितने लोग इस पौधे का बिल्कुल सही नेम बता पाते हैं। और अगर आप हम लोग के चैनल पे पहली बार है, तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको दबा के सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा आइडिया आप लोग को पसंद आता है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटल से हैंगिंग पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेनी होगी। ये देखिए, मैंने 2.5 लीटर वाली थम्सअप की बॉटल ले ली, आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले सकते हैं। थम्सअप की बॉटल स्पेशली मैंने इसलिए ली क्योंकि इसमें इस तरीके से देखिए मार्किंग बनी होती है, कंपनी की खुद के डिज़ाइन है, तो इसे कट करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। तो ये देखिए, मैंने ये बिल्कुल फ्रेश एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली, और ये देखिए मैंने ये दो पहले से ही कुछ कट करके तैयार कर लिया, ताकि हम लोग की वीडियो में ज़रूरत से ज़्यादा समय ना लगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ कट करके रख लिया। एक ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बॉटल ली, यानी अभी इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं आप लोग को एक मार्कर से आइडिया बताता हूँ कि हम लोग को मार्किंग किस तरीके से लेनी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने इसमें दोनों में बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए, नोटिस करिएगा, एक यहाँ पर एक कंपनी की लाइन बनी होती है, दोनों ही तरफ बॉटल में यहाँ से जॉइंट होता है, तो लाइन बनी होती है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप बॉटल में देखेंगे तो इस तरीके से एक लाइन बनी होती है। ठीक उसमें हम लोगों को करना क्या है, साइड साइड वाले दोनों हम लोगों को ये छोड़ देने, फिर इसके बाद तीसरे वाले में हम लोगों को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी, और यहाँ पर ये लाइन हम लोग को वहाँ तक ले जाएँ जो रैपर लगा होता है, यानी लेबल लगा होता है, यहाँ तक ले जाकर ऊपर देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी होगी, ये देखिए इस तरीके से राउंड एक लाइन बनी। सेम इसी तरीके से इस साइड पे भी जो लाइन होती है, यहाँ से ये जो दूसरा वाला ये एक छोड़ के दूसरे वाले हम लोग को इस तरीके से एक लाइन खींचनी होगी बिल्कुल सीधी। ये मैं आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग को बिल्कुल एकदम बराबर बॉटल में जो हम लोग को स्पेस बनानी हो किस तरीके से बनेगी। ठीक, तो हम लोगों को इस तरीके से बिल्कुल मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से मिला देना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए मैंने दोनों ही बोतल में इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, यहाँ से मैंने कट कर लिया। तो हम लोग के पास इतना ये मोटा वाला सरफेस मिल गया, इससे बोतल की मजबूती भी बनी रहेगी और बोतल टूट के गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से आप लोग को करना खासकर ज़रूरी ध्यान रखिएगा। तो जैसा डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, सेम देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी ये डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल एक तरफ मैंने कट कर लिया इस तरीके से, और सेम बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी कट करूंगा मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से हिस्सा कट करके निकाल दिया, ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ था, इसको मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा छेद करा हुआ है, ये हम लोग का ऊपर साइड वाली बॉटल होगी, इसमें हम लोग की बॉटल, यानी यहाँ से हम लोग की बॉटल ऊपर हैंग करेगी। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए मैंने ये जे हुक लिया हुआ है, ये आप लोग को हार्डवेयर की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, 4-5 रुपये का मिलेगा, इस पर नट बोल्ट इस तरीके से लगा होता है। तो मैंने देखिए एकदम छोटा सा ही छेद करा, ज़्यादा बड़ा छेद नहीं किया, तो ये जे हुक यहाँ पर इस तरीके से जाकर ये फिक्स हो जाएगा। ये ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से लगा देंगे तो इसकी मजबूती बनी रहेगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इसको मैं आप लोग को फिर से बता दूँ, इसको जे हुक कहा जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से पहले एक हम लोग को एक छोटा सा छेद करना होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए मैंने पीछे एक बड़ा होल किया हुआ, ये वाली बॉटल हम लोग की यहाँ पर जाके फिक्स होगी इस तरीके से, कुछ ये बॉटल यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बॉटल फिक्स होगी। जो लोहे के पाइप, पानी वाले पाइप होते हैं, उससे मैंने इसमें एक होल करा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से गैस पे गरम करके मैंने यहाँ पर पाइप से छेद कर लिया। आप लोग चाहें तो इसको जितना लंबा करना चाहें, जितनी बॉटल इसमें जोड़ना चाहें आप लोग जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, मान लीजिए इसमें ये वाली बॉटल भी मुझे अगर फिक्स करनी हो तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से पाइप से होल करेंगे और आसानी से इसमें ये बॉटल फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए एक रिंग लगी होती है, सभी बॉटल में यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की रिंग लगी हुई, सभी बॉटल में लगी होती है, वो रिंग हम लोगों ने निकाल दिया। क्यों निकाली है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स होगा, फिर अंदर से हम लोग इसमें कैप लगा देंगे। कैप मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए मैंने ये जो कैप लिए हैं, इनमें मैंने बॉटम पे ड्रेनेज होल में छेद कर लिया, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी हो पानी ईजिली निकलता रहे। तो मैं इन दोनों को आपस में फिक्स कर लेता हूँ,
फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं, ये जो हम लोग के देखिए जो कटिंग निकली हुई थी उसमें मैंने ये पाइप से ही एक और होल किया हुआ है। इसको हम लोग इसको अंदर से इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर अंदर से इस तरीके से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पकड़ ले और हम लोग की बॉटल गिरे ना। ये मैंने सेफ्टी के लिए लगाया ताकि हम लोग की बॉटल गिरे ना, तो आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोगों को इस तरीके से इसको अंदर फिक्स करना होगा और उसके बाद ऊपर से इस तरीके से कैप लग जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस तरीके से देखें आसानी से ये कैप टाइट हो जाएगा और ये हम लोग की बॉटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसको मैं अंदर फिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर जो कैप था हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लिया, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको टाइट कर दिया। और जो प्लास्टिक की मैं बात कर रहा था आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक लगा दी है जिससे ये वाशर की तरह काम करेगी और ये बॉटल को निकलने नहीं देगी, ये बॉटल कभी भी निकलेगी नहीं। अब इसके बाद ही हम लोगों की कुछ इस तरीके से बॉटल तैयार हो गई है, देखिए कुछ इस तरीके से बॉटल तैयार हो गई है। अब हम लोगों को यहाँ पर बेस पे जो हम लोग का जो हैंगिंग वाला हुक था ये वाला हुक लगाना होगा। हुक लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इस तरीके से ये जो हम लोगों ने वाशर लिए थे इसको लेना है और इस तरीके से करके और यहाँ अंदर से इसको फिक्स कर देना। बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो आसानी से। ये देखिए इस तरीके से ये हुक को हम लोग को लगा देना, ये देखिए कुछ इस तरीके से लगा। अब ये बहुत मजबूत हो गया, इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, यहाँ हुक बनाई हुआ है, इसको कहीं पर भी आप लोग हैंग कर सकते हैं। बस ये हम लोगों का इस तरीके से तैयार होगा ये। और बेस पे देखें यहाँ पर भी ये ड्रेनेज होल वाले हम लोग कैप लगा देते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसमें हम लोग किसी भी हैंगिंग प्लांट को लगा सकते हैं, मैं इसमें स्पाइडर प्लांट को लगाऊंगा, आप लोग पोर्चिलाका लगा सकते हैं या जो हैंगिंग वाली वाइंस आती है आप उनको लगा सकते हैं, या भी जो छोटे पौधे होते हैं उनको बहुत ही आसानी से इसमें लगाया जाता है। पिटूनिया वगैरह पौधे को इसमें लगाया जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने इसमें 2.5 लीटर की बॉटल ली तो काफ़ी जगह है, आसानी से इसमें विंटर प्लांट्स भी ग्रो हो जाएंगे। तो बस अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगा और इसमें हम लोग अपने पौधे को लगाएंगे। जैसे कि पौधे में मैंने आप लोग को बताया मैं इसमें स्पाइडर प्लांट लगाऊंगा, स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रो करेगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार कर रहा हूँ, इसमें स्पाइडर प्लांट किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने स्पाइडर प्लांट ले लिए, मैंने 2 स्पाइडर प्लांट लिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें 2 बॉटल लगाई है। ये स्पाइडर प्लांट मेरे पास काफ़ी समय से रखे हुए थे इसी तरीके से, तो मैंने इसमें लगाने के लिए सोचा। और ये देखिए ये मैंने मिट्टी इसकी तैयार कर ली है, इसमें हम लोगों ने 20% ही वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, बाकी मैंने बालू मिट्टी और गार्डन की मिट्टी मिला के आधा आधा मिला के एकदम ये मिक्सचर तैयार किया। इसमें हम लोगों ने कंपोस्ट कम मिलाई क्योंकि स्पाइडर प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत होती भी नहीं और इसमें गर्मी भी पड़ रही है, हो सकता है हम लोगों का प्लांट सूख जाए, तो इसमें हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी 20% इसमें कंपोस्ट मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाई। आपके पास वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मिलाई नहीं तो गाय गोबर जो भी आपके पास हो आप लोग मिला सकते हो। तो ये तो रही मिट्टी तैयार करने के बाद, इसके बाद हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को बेस पे थोड़े से स्टोन्स डालने होंगे ताकि ये जो हम लोग का ड्रेनेज होल है ये कवर ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग को नीचे छेद के पास थोड़े से पत्थर डालने हैं। इसके बाद हम लोगों को इसमें थोड़ी सी ये मोरंग डालनी होगी, ये ड्रेनेज होल को बिल्कुल सील ना हो इस वजह से हम लोग डाल रहे हैं। अब बस इसमें हम लोगों को मिट्टी भरनी होगी और इसमें हम लोग ये जो हम लोग की बॉटल इसमें हम लोग पेंट कर सकते हैं। अभी मैं लॉकडाउन की वजह से पेंट नहीं तो मैं इसमें पेंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें प्लास्टिक पेंट जो आता है जो प्लास्टिक ऊपर चढ़े आसानी से वाला पेंट भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, बाहर साइड से करना, अंदर से हम लोग को पेंट नहीं करना होगा। तो ये देखिए ये हम लोगों ने अपने स्पाइडर प्लांट को बॉटल में लगा दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग गया, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख रहे होंगे मैंने साइड साइड से पत्तियाँ निकाल दी हैं। स्पाइडर प्लांट को मैंने अपनी ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती, पूरी तरह शेड रहती है। आप देख रहे होंगे देखे ये मनी प्लांट लगा हुआ है और यहाँ देखिए ये बेबी सनरोज लगा हुआ है, इसको भी मैंने शेड में बिल्कुल लगाया हुआ है। तो ऐसी जगह पर हम लोग को रखना है स्पाइडर प्लांट जहाँ पर धूप न लगेगी क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, ज़्यादा धूप इसके ऊपर लगेगी तो ये पौधा जल जाता है। थोड़े टाइम में हम लोग का ये पौधा इसमें और ज़्यादा घना होने लगेगा, यानी इसमें साइड से और ज़्यादा पप निकलने लगेंगे तो हम लोग का ये पौधा और घना हो जाएगा और बॉटल देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। और ऊपर देखिए, ऊपर ये देखिए दूसरा वाला स्पाइडर प्लांट भी मैंने लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ये बॉटल से हैंगिंग प्लांटर बनाने हैं जो कि गार्डन में देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा आइडिया आप लोग को पसंद आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन ब्लिंक कर रहा होगा, उसको दबा के हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे होंगे जो पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी जरूर देखेगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए की वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।